हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का निलंबन कर देता है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। पहला दिन के लिए कितना है, ₹200 है, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। ए बराबर ₹200 दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा दिन के लिए ₹250 है, तीसरा दिन ₹300 है। तो देखिए इसी तरह जुर्माना कितना, ₹50 लगता है, तो ये अंतर हो गया, तो इसको डी मान लेंगे। डी बराबर ₹50। इसके बाद कितना, 30 दिन निलंबित करता है, यानी कि 30 दिन छोड़ता है, तो हम लोग इसको एन मान लेते हैं। एन बराबर 30 दिन। अब ए एन का फॉर्मूला लगा के इसको हल करते हैं। ए का मान 200 जोड़ एन का मान कितना है, 30 माइनस 1, डी का मान 50 बराबर 200 जोड़, यहाँ घटेगा तो 29 गुना 50 बराबर 200 जोड़, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए एन का मान निकल गया इतना। अब एस एन को लेके चलते हैं हम लोग। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बट्टे 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 30 बट्टे 2 इंटू 2 गुना ए का मान, यहाँ 200 दिया हुआ है, और n का मान 30, d का मान कितना है, 50 दिया हुआ है, 200 जोड़ n का मान 30 माइनस 1, d का मान 50 कटेगा 15 बार में 15, यहाँ गुना करेंगे तो 400 जोड़, इसको घटाएंगे तो 29 गुना 50 बराबर 15, 400 जोड़ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 15 गुना, इसको जोड़ेंगे तो 1850 हो जाता है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 75 0, यही आंसर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।